ये चित्र जिस सनातन धर्म की बेटी के गले में होगा, कोई भी जिहादी उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। नहीं, अब इस सब के आ जाएंगे, वो धागे का हो गए तो चित्र तो है, कौन रह गया? अच्छा, ये कैसे थोड़े थोड़े पीछे आ जाए तो सब आएगा। ये छोटे लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच यूपी में एक लॉकेट काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस लॉकेट के पहनने से हिंदू परिवार की बहू बेटियां मुस्लिम कट्टरपंथियों के झांसे में कभी नहीं आएंगी और लव जिहाद से बच सकेंगी। जी हां, शायद आपको सुनकर या तो हंसी आ रही हो या फिर आप कह रहे होंगे कि ये आपदा में अवसर जैसा है। खैर, आप जो भी कहें, मगर मुजफ्फरनगर में ये लॉकेट अब खूब चर्चा में है। इन दिनों लव जिहाद से बचने के लिए हिंदू परिवार की बहू बेटियों के बीच ये लॉकेट खूब बांटे जा रहे हैं। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ लॉकेट वाली मुहिम योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज चला रहे हैं। मंगलवार को शाहपुर कस्बे के ठाकुर द्वारा मंदिर में लव जिहाद के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी यशवीर जी महाराज ने सनातन धर्म की बहू बेटियों को पहले लव जिहाद के खिलाफ जागरूक किया और उसके बाद लाल धागे में भगवान वराहा के चित्र वाले लॉकेट बांटे। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि विधर्मी उनके समाज की लड़कियों को बहला फुसला रहे हैं। स्वामी जी का मानना है कि हिंदू धर्म की बहू बेटियां इस लॉकेट को अपने गले में पहनकर लव जिहाद से बच सकती हैं। देखिए, संप्रदाय विशेष के द्वारा कितने ही प्रकार के जिहाद के द्वारा षड्यंत्र चल रहे हैं। कहीं फूड जिहाद है, कहीं मसाज जिहाद है, और कितने ही प्रकार के हैं उन्हीं में से लव जिहाद है कि वे लव जिहाद के माध्यम से सनातन धर्म की बेटियों को भ्रमित करते रहते हैं और उनको गुमराह कर देते हैं वे लोग। तो हमने आज यहाँ ठाकुर द्वारा मंदिर शाहपुर में अपने सनातन धर्म की बेटियों की रक्षा के लिए भगवान वाराह का चित्र लाल धागे में धारण कराया और भगवान वाराह का ये चित्र जिस सनातन धर्म की बेटी के गले में होगा, कोई भी जिहादी उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के विपरीत जो भी संप्रदाय विशेष के लोग किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करेंगे, उनके षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए हम लोग इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे। आपको बता दें कि स्वामी यशवीर जी महाराज वही शख्स हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग पर मुस्लिम दुकानों ढाबों से पहले हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर हटवाने की मांग की थी और फिर उसके बाद दुकानों पर दुकान मालिक के नाम लिखने का मुद्दा उठाया था, जिसे पहले मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने अपनी मांग पूरी कर दी और फिर उसके बाद शासन ने भी इसे हरी झंडी दे दी थी, जो कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। वहीं अब स्वामी यशवीर जी महाराज ने लव जिहाद के खिलाफ एक नई पहल शुरू की है। हिंदू परिवारों की बहू बेटियों को लॉकेट बांट रहे हैं। स्वामी जी का कहना है कि लव जिहाद के खिलाफ वो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलाते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।